जिनके चेहरे पे बैठी न बखी कभी, जिनके चेहरे पे बैठी न बखी कभी, उनकी आला नजाफत पे लाखों सलाम। जिनको सजदे जिनके सजदे को मेहराब कहबा चुकी, उन बहुओं की लताफत पे लाखों सलाम। फतह बाबे नबुवत पे बेहद दुरूद। ये वो अकीदा है ना, ये कि इसके बगैर बंदा मुसलमान मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने प्यारे नबी को अल्लाह का आखिरी नबी न माने। और आजकल के इस जमाने में, इस दौर के अंदर तो हर हाल के अंदर बंदे को कहना पड़ेगा कि हजरत मुहम्मद मुस्तफा अल्लाह के नबी पर हक है, आखिरी नबी है, उनके बाद नबूवत का तसव्वुर भी जो है वो कुफर है। बात समझ आ गई ना। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपसे किसी ने सवाल किया, हजरत जी कोई नबूवत का ऐलान करे, आपने फरमाना उसके ऐलान पर उसकी आवाज पे कान मत धरना, अगर उसने उसके झूठे नबी उसने नबूवत का ऐलान किया तो दलील मांग ली कि बता तू नबी है, तेरे पास दलील क्या है। तो आपने फरमाया वो दलील मांगने वाला भी दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो इमाम आले सुन्नत ने बड़ा प्यारा अकीदा दिया, फतह बाबे नबुवत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबुवत पे बेहद दुरूद। इस तरह नहीं, बुलंद आवाज में सवाल की नियत है, फतह बाबे नबुवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, आला हजरत आला फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। और काबले गौर, जिसने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, दो मिनट लगाऊंगा और उसके बाद इजाजत। जिसने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, प्यारे खातिम की जुर्रत पे लाखों सलाम। और इसके पानी सदारत सदर महफिल पीर तरीकत हजरत साहिबजादा वाला शान मोहम्मद कासिम शाह साहब बिल्कुल अपने वालिद गिरामी के नक्श कदम पर चल रहे हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह मालिक के कायनात दीन मदीन की इसी तरह खिदमत इनसे लेता रहे और दीन मदीन की मजीद खिदमत की तौफीक भी अता करे। हजरत गिरामी, ये पाकिस्तान का जो हिस्सा है, पाकिस्तान की जो धरती है, आज से 100 साल पहले, 120 तकरीबन साल पहले चले जाऊंगा तो एक फितना उठा जिसको फितना मिर्ज़ाइयत भी कहते हैं, जिसने नबी होने का ऐलान किया। पहले अपने आप को इमाम मेहदी कहता था, फिर उससे ईसा बना, फिर डायरेक्टली उसने, अब उसकी किताबें पढ़ो तो इंसान का ईमान लरज जाता है। तो उसके मुकाबले के अंदर एक अल्लाह का फकीर उठा और उसने मैदान इलम के अंदर उसको ललकारा और मैदान इलम के अंदर उसे ऐसा बिछाड़ कर दिया
कि आज तक मिर्जाइया के घरों के अंदर ऐसा कोई भी पैदा नहीं हो सका कि कोई नबूवत का ऐलान कर सके। उस वकील का नाम है हजरत सैयदुना पीर मेराज। कभी मुसलमानों के हाथ में आए, कभी गैर मुसलमानों के हाथ के अंदर चले गए। मुसलमानों के हाथ से हालात क्यों बेकाबू हुए? मुसलमान असीरी की जिंदगी गुजारने पर, मजबूर जिंदगी गुजारने पर क्यों मजबूर हुए कि जब उन्होंने अपना नाता अपने रसूल से तोड़ दिया, दीने मदीन से तोड़ा, तो फिर जलील और रुसवा हो गए। तो जनाबे वाला आखिरी बात, जब हालात करवट ले रहे थे तो करवट लेते लेते 2017-18 का जमाना आ गया। 2017 का जमाना आया तो जिस पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक पक्का मजबूत कानून बना हुआ था कि जो भी कोई गुस्ताखी करेगा वो वाजिबुल कत्ल है, उसे कत्ल किया जाएगा। उसी कानून को बदलने के लिए हमारी जनाबे वाला हुकूमत ने उन्हें सर तोड़ कोशिश की, सर तोड़ कोशिश की। उस वक्त की जो हुकूमत थी, उस वक्त की जो अपोजिशन थी, आप यह ना समझना कि मैं सियासी बात कर रहा हूं, शायद आपको ना पता हो ये हालात इस पाकिस्तान के अंदर आए हैं, ये उलमा पे कड़ा वक्त गुजरा है, आपको शायद पता ही ना हो। तो उसके ऊपर सियासी और नाम लिहाज मजहबी जमातों ने साइन किए, अगर कानून बदला जाएगा तो कोई खराबी लाजिम नहीं आएगी। लेकिन याद रखना, जब बड़े बड़े चुप हो गए, बड़े बड़े अपना नाम और शोहरत रखने वाले, जाह जलाल रखने वाले चुप हो गए, तो अल्लाह एक वीर शेर वाले बाबे को काम मिल गया। उसमें फिर जब ललकारा, 2018 का जमाना, फैजाबाद की सरजमीन, ठिठरती हवा, ऊपर से आसमान इम्तिहान लेने के लिए पानी बरसा रहा है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन आशाने मुस्तफा को देखा, जब उन्होंने कहा गोलियों से घूम डालेंगे, तो शख्सबस्त हवाओं में अपनी कमीजें उतार के नंगे सीने सामने कर दी। आप यूं कह रहे थे, सितमगर इधर रहा, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। तेरा काम है शेल मारना और तेरा काम है कारतूस मारना, गोलियां मारना, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के सीने कम नहीं है, तेरे शेल तो खत्म हो सकते हैं, हुजूर के गुलामों के सीने बाकी रह जाते हैं। हजरात करामी, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आप बेशक मुताला कर लें, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दें, आप बेशक मुताला कर लें, पूरी दुनिया के अंदर देख लें, इस्लाम पर जो कड़ा वक्त है पाकिस्तान के अंदर, वो किसी दुनिया के मुल्क के अंदर नहीं, दुनिया के, बल्कि अमेरिका की सैर करो, बरतानिया की सैर करो, जर्मनी की सैर करो, वहां इस्लाम को, मुसलमानों को बिल्कुल नहीं छेड़ा जा रहा। अगर कम किया जा रहा है तो पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है, और कोई हिंदू सिख नहीं कर रहा, अपने मुसलमान कर रहे हैं। एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी है, साबित करने के लिए तैयार हूं, एक लफ्ज में एक हर्फ भी झूठा हो तो मुझे आगे गरेबान से पकड़ सकते हो, लेकिन अगर सच्चा साबित हो जाए तो फिर अपने दबाव की करारियों को खोल के थोड़ा सोचना जरूर, यार आज मैं जिनकी सफों के अंदर खड़ा हूं, कल कयामत के दिन हुजूर की बारगाह के अंदर जब जामे कौसर मांगूंगा, होदे कौसर के पास खड़ा होऊंगा, और रसूलुल्लाह से जब अपनी प्यास सामने लाके अपनी प्यास बुझाने के लिए जामे कौसर मांगूंगा, अगर हुजूर ने पूछ लिया मेरी उम्मत, मेरे उम्मती, उम्मती होने का दावा करने वाले मेरे गुलाम, आपने कौसर पीने के लिए मेरे इस
صاف میں کھڑا تھا. مطلب ہوا محمد الرسول اللہ؟ نہ نہ نہ, اتنا آسان جواب نہیں جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ نے سیکھ لیا, ہم نے سیکھ لیا. یاد رکھنا, اگر یہاں زندگی میں حضور کی تابعداری کر کے حضور پر زندگی گزار کے اگر حضور کے لیے زندگی نہ گزاری ہوگی تو اس آسان سوال کے جواب سے پہلے پہلے زبان کو سیل کر دیا جائے گا. یہ پکی بات ہے. آج وقت نہیں اپنے آپ کو, ہم آپ کے لیے, آپ کے پاس اللہ کی قسم مسجد میں ممبر کے پاس کھڑے, سیاست کرنے کے لیے یا ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئے, لیکن جو ہمارا حق ہے آپ کے دباؤ کے اندر بات کو جانی, سمجھ آئے تو عمل کر لینا, نہ سمجھ آئے تو ہمیں سمجھا دینا. یار زندہ, صحبت باقی, وہاں کرتا ہوا.